हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा पर आधारित प्रश्न। वैसे मैं पढ़ाता हूँ मैथ, तो मैथ बाय गौरव सर। हम पढ़ेंगे आज भाषा पर आधारित प्रश्न। देखिए, हम पता है कि जैसे कि हम कोई संख्या है, कोई भी संख्या लिखी है, जैसे 625 लिखी, इसे हमें काटना है किससे? 7 से काटना है, ये 5 से काटना है, तो क्या ये 5 से विभाजित है? कैसे पता लगाएं कि हाँ ये 5 से विभाजित है या नहीं? तो आज हम सीखेंगे भाज्यता पर आधारित प्रश्न। इस टॉपिक से, मतलब इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है, चाहे वो MPPSC हो, MPSI हो, MP पुलिस हो या SSC हो, जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए तो आप देखते हैं। देखिए, हमारे विभाज्यता के नियम तो हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कंटिन्यू आते ही हैं, जैसे 7 का होगा और 5 का होगा, 4 का होगा, 8 का होगा, 11 का होगा, इस प्रकार हमारे विभाज्यता के नियम आते हैं। बाय द वे, भाज्यता का भी आता है 72, बहत्तर का भी आता है, 88 का भी आता है। तो हम कैसे सॉल्व करें कि ये हम देखकर ही उसे आंसर लगा सकते हैं कि ये हमारा हाँ भाज्यता का नियम फॉलो करता है। देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं। पहला हम देखिए, पहला है 2 का विभाज्यता का नियम। 2 का विभाज्यता का नियम, 2 का विभाज्यता का नियम या भाज्यता पर आधारित नियम, 2 का नियम, नियम पहला, नियम पहला 2 का नियम, 2 का मतलब 2 का विभाज्यता का नियम, 2 का विभाज्यता का नियम जहां फॉलो होता है, जहां 2 लास्ट दी गई संख्या, गई संख्या के लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से विभाज्य होगी, मतलब 2 का भाग पूर्ण रूप से चला जाएगा। देखिए, जैसे कोई संख्या ली गई है 2, 4, 6, 8, 0, तो देखिए ये क्या हमारी 2 से विभाज्य है? देखते हैं। हमने पढ़ा कि 2 की विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह हमारे 2 से विभाज्य होगी। इसमें लास्ट में 2 0 है तो क्या हमारी 2 से विभाज्य होगी? अब हाँ, हमने नियम पढ़ा है कि इसमें 2 से विभाज्य होगी, तो चलो हम एक बार चेक कर देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8 और 0, तो 0 का 0 तो इसमें तो चला गया हमारा भाग, तो हाँ ये 2 का विभाज्यता का नियम फॉलो हो रहा है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद देखते हैं हम नियम आगे। तो दूसरा नियम कहता है 4 का, 4 की विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? देखिए, परिभाषा तो है, किताब की है, कुछ अलग है, और बाकी टीचर भी बनाते हैं तो कुछ अलग बनाते हैं, हम भी बनाते हैं तो हम भी कुछ अलग बनाते हैं, तो क्यों ना हम इसे सरल से सरल बनाएं। देखिए, 4 की विभाज्यता का नियम, इसे हम 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये भी तो हो सकता है, हैं? तो इसका नियम क्या होता है? इसका नियम होता है, देखिए किताब में लिखा है कि लास्ट के इकाई और दहाई, दी गई संख्या के लास्ट के इकाई और दहाई
से बनी संख्या क्या में यदि चार का भाग जाता है है तो वह चार से विभाज्य होगी, तो वह चार से कटेगी, चार से विभाज्य होगी होगी। देखिए इस प्रकार करेंगे तो ये तो हो जाता है हमारा लंबा, जो कि हमें याद भी नहीं रहता है, तो हमें तो हम ठहरे सीधे बुंदेलखंडी। तो अपन को ऐसा कुछ सीखना है कि जिस प्रकार हमारा सरल का सरल बन जाए, हमें याद भी रहे। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम बनाएंगे इस प्रकार कि ला दी गई संख्या, दी गई संख्या क्या कि लास्ट के, लास्ट के दो अंकों में चार का भाग जाए, भाग जाए तो वह चार से विभाज्य होगी। जैसे जैसे कोई संख्या ली गई, कोई संख्या दी गई है 1, 4, 6, 0, क्या इसमें लास्ट के दो अंकों में चार का भाग जाता है? देखें 7, 4 × 4 = 2, 4 × 5 = 20, हाँ इसमें चार का भाग जाता है। तो इस पूरी संख्या में, इस पूरी संख्या में चार का भाग चला जाएगा, क्या होगा, इस पूरी संख्या में चार का भाग चला जाएगा। तो देखते हैं 14, 7, 4, 4 × 12, यहाँ 2, 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 20, हाँ इसमें हमारा चला गया, 2 का भाग चला गया और 4 का भाग चला गया। तो ये इस प्रकार हमारी चार की व्यवस्था का नियम फॉलो होता है। तो जैसे 216, 480, 672, इस प्रकार हमारी संख्या होती है। देखिए यदि कोई संख्या आ जाए 721, तो क्या इसमें जाएगी? नहीं, इसमें नहीं जाएगी, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ये हमारी चार की व्यवस्था होगी। इसी प्रकार हम चलते हैं तीसरा, इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। तो देखिए 8 की व्यवस्था का नियम, 8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिखेंगे। तो देखिए 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसी प्रकार जिस प्रकार हमारी 4 की विभाज्यता का नियम है, इसी प्रकार हमारे 8 का भी, 8 के विभाज्यता का नियम भी है कि मतलब लास्ट के दी गई संख्या, दी गई संख्या के लास्ट के 4 अंकों में, 4 लास्ट के 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाता है तो जैसे 2, 4, 8, 4, 0, देखते हैं इसमें क्या हमारी लास्ट के 3 अंकों में जा रहा है भाग, देखते हैं 8, 4, 0, 8 × 8, 8 × 5 = 40, तो हाँ इसमें हमारी जा रहा है 8 का भाग। तो इस प्रकार हमारी 8 की व्याप्ति हो रही है कि लास्ट के 3 अंकों में
यदि हमारे आठ का भाग चला जाए तो वह पूरी संख्या में आठ का भाग चला जाता है। तो इस प्रकार हमारी आठ की विभक्ति होती है। आगे चले, जैसे दो आठ, आठ चार जीरो, ये हुई, ठीक है। और आगे देखते हैं तीसरी, देखिए चौथी। अब चौथी हुई, इसके बाद चौथी आएगी तीसरी की, तीन की विभक्ति, तीन की विभक्ति होगी, तीन की विभक्ति या तीन का नियम, तीन का नियम होगा। तो तीन का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या में दी गई संख्या के सभी अंकों के योग में यदि तीन का भाग जाए तो बाय तीन से विभक्त होगी। जैसे जैसे कोई संख्या दी गई है, नौ चार दो छः बारह, ये संख्या दी गई है, इसमें पता लगाना है कि हमारी ये तीन की विभक्ति फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। देखते हैं, देखिए नौ और चार तेरह, दो पंद्रह और छः पंद्रह, छः इक्कीस और एक बाईस, दो चौबीस। क्या चौबीस में हमारा तीन का भाग जा रहा है? हाँ, ती आठे चौबीस। यदि हमारे सभी अंकों के योग में तीन का भाग जाता है तो भाई आठ से विभक्त होगी। अब देखते हैं हम के क्या इसमें जा रहा है वाकई में, तो क्या है संख्या, नौ चार दो छः एक दो, देखते हैं तीन, तीन त्रिका नौ, तीन एकम तीन, ती चौका बारह, तीन दूनी छः जीरो, ती चौका बारह, हाँ इसमें भी जा रही। तो इस प्रकार होगी हमारी तीन की विभक्ति। जैसे जैसे दो चार छ आठ चार, ये हुई, और चार छ दो, ये भी इसमें भी भाग चला जाएगा हमारा। अब देखते हैं पांचवा नियम, पांचवा नियम आता है नौ की विभक्ति, नौ की विभक्ति या तीन की पावर दो की विभक्ति। तो इससे ये हुई हमारी, अब देखिए ये कैसे होगी, ये भी सेम इसी की तरह है, तीन की तरह है। सभी अंकों के योग में यदि नौ का भाग जाता है तो वह तीन से नौ से विभक्त होगी। जैसे ये किसकी तरह है, तीन की तरह, तीन ठीक है। जैसे कोई संख्या है दो चार छ आठ चार, दो चार छ बारह आठ बीस चार तीन, देखिए ये हुई हमारी संख्या। क्या इसमें हम सभी अंकों का योग करके देखें और फिर इसका भाग भी देखकर देखें क्या इसमें जा रहा है? तो देखिए दो चार छ छ दूनी बारह आठ बीस और चार चौबीस और तीन सत्ताईस। क्या सत्ताईस में हमारे नौ का भाग जाता है? नौ की सत्ताईस, जी हाँ बिल्कुल जाता है, हमारा नौ का भाग सत्ताईस में जाता है। और हम आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या इसमें बाकी में हमारा नौ का भाग जाता है, चौबीस छः आठ चार तीन,
देखते हैं। नौ, नौ दूनी अठारह बच्ची छः, नौ सात तिरसठ बची चार, नौ सात तिरसठ बची तीन, नौ सात तिरसठ नौ चौक छत्तीस बची दो चार, और नौ दूनी अठारह, नौ चौक छत्तीस नौ दूनी अठारह पर बची छः तिरसठ, नौ सात तिरसठ। हाँ बिल्कुल, इसमें भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है। वैसे देखिए विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या कितनी भी बड़ी हो उसे सरल कैसे बनाना है। सरल से सरल फॉर्म के लिए होते हैं विभाज्यता के नियम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में चलते हैं हम आगे। देखते हैं हमारी चार, चार की विभक्ति क्या करेगी, चार की, चार की विभक्ति क्या करेगी, दो मल्टीप्लाई दो, जहाँ दो की देखिए ऐसे भी होती है तो चार की विभक्ति हो गई, ये हमारी आठ की व्यक्ति होगी, तीन की व्यक्ति होगी, नौ की व्यक्ति। अब आ जाते हैं पांच की व्यक्ति। देखिए पांच की व्यक्ति क्या कहती है, पांच की व्यक्ति, पांच की व्यक्ति कहती है कि दी गई संख्या संख्या की लास्ट का अंक जीरो या पांच हो तो वह किससे, पांच से विभक्त होगी। जैसे कोई भी संख्या उठा लीजिए, सात पांच जीरो, क्या इसमें पांच का भाग चला जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, पांच एकम पांच पचम पच्चीस, इसमें हमारा पांच का भाग चला जाएगा। क्या और भी कोई संख्या हो, जैसे एट नाइन फाइव, क्या इसमें पांच का भाग चला जाएगा? पांच एकम पांच तीन, पांच सात पैंतीस, बचा चार पनम पैतालीस। हाँ जी हाँ, इसमें भी चला गया। देखिए इस प्रकार हमारी पांच की विभक्ति हो गई। तो पांच की विभक्ति के लिए क्या कहना है कि दी गई संख्या के लास्ट के, लास्ट का अंक जीरो या पांच हो तो वह किससे व्यक्त होगी, पांच से व्यक्त होगी। इसी प्रकार हम, हमारी व्यक्ति होती है सर, इसी प्रकार होती है हमारी व्यक्ति आगे, तो वो होती है क्या, पच्चीस, पच्चीस या पांच की पावर दो। तो ये क्या कहती है, लास्ट के, ये होती है हमारी विभक्ति चार की तरह, ये होती है हमारी विभक्ति चार की तरह कि जिस प्रकार चार की विभक्ति कहेगी उसी प्रकार हमारी पच्चीस की विभक्ति होगी कि लास्ट दी गई संख्या के दो अंकों में पच्चीस का भाग जाए। जाए तो 25 से विभक्त होगी, पूर्ण रूप से 25 से। जैसे कोई संख्या दी जाए 625, क्या इसमें हमारा 25 का भाग चला जाएगा? देखें, देखिए लास्ट के तीन अंकों 625, 625 25 का वर्ग होता है, ये तो सभी को पता है, तो ये इसमें तो जाएगा ही जाएगा। देखते हैं इसमें पूरी में जाता है 25, 25 चौकस 100, 25 चौकस 100 तो बचा कितना 6, 25 चौकस 100 और बचा 6, 6 बचा तो 25 छः और दो बासठ, पच्चीस दूनी पचास, अब बचा कितना 125, अब 25 दूनी पचास तो 25 पंचे 125, तो 125 इसमें हाँ चला गया है। तो इस प्रकार हमारी होती है 25 की व्यक्ति का नियम। तो देखिए आज हमने पढ़ाई आपको क्या क्या, दो की विभक्ति, दो की विभक्ति क्या कहती है, दी गई संख्या के लास्ट के अंक क्या हो, जीरो
2, 4, 6, 8 हूँ तो वह 2 से विभक्त होगी। इसी प्रकार हमने पढ़ी 4 की विभक्ति। 4 की विभक्ति क्या कहती, दी गई संख्या के लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो वह 4 से विभक्त होगी। इसी प्रकार हमने पढ़ा 8 की विभक्ति, दी गई संख्या के लास्ट के 3 अंकों में 8 से विभक्त हो तो वह 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसी प्रकार हमने पढ़ा 3 की विभक्ति, 3 की विभक्ति क्या कहती है, दी गई संख्या के सभी अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाए तो वह 3 से विभक्त पूर्ण रूप से विभक्त होगी। अब हमने पढ़ी 9 की विभक्ति, 9 की विभक्ति क्या कहती है, 3 की विभक्ति की तरह है, मतलब 3 की विभक्ति क्या कहती है, सभी अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है, इसी प्रकार सभी अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाए तो वह 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं 5 की विभक्ति। 5 की विभक्ति क्या कहती है, दी गई संख्या के लास्ट का अंक क्या हो, 0, 5 हो तो वह 5 से विभक्त होगी। अब आगे चलते हैं 7वीं। देखिए दी गई संख्या के लास्ट के दो अंकों में 25 का भाग जाए तो वह 25 में पूर्णतः विभक्त होगी। इस प्रकार हमने पढ़ी आप अपनी कितनी व्यक्तियां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात व्यक्ति पढ़ी। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। देखिए जो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, इसके आगे पढ़ेंगे हम कल। तो मैं यहीं अपनी क्लास को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।